मेरा वार्ड में आज हम बात कर रहे हैं नगर निगम कोटा दक्षिण के वार्ड नंबर 20 की बात। जी हाँ, जिसके अंदर कोटडी क्षेत्र आता है। यहाँ पर काफी अच्छे सीसी रोड के सड़कें बनी हुई है, लेकिन समय पर कचरा पॉइंट से कचरा नहीं उठाना और वार्ड में समय पर सफाई व्यवस्था की कमी देखने को मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में नालियों की सफाई समय पर नहीं होती है। जगह जगह पर नालियां जो है वो चौक है। पास में ही एक शॉप है जिसने अवैध रूप से नल लगा करके रखा है और वो अपने दुकान के सारे बर्तन बाहर साफ करता है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्रीय पार्षद और नगर निगम में शिकायत करने के बावजूद भी रोज नालियों की सफाई नहीं होती है। नालियां पूरी तरीके से गंदगी से अटी पड़ी हुई है। वहीं दुर्गंध से क्षेत्र में बीमारियों फैलने का जो है वो खतरा बना रहता है। भैया, वार्ड नंबर कितना पहले थे बताइए? वार्ड नंबर 20। किस तरह की समस्या है इस वार्ड में? भाई साहब, यहाँ पे सफाई नहीं होती है। इसको छोड़ दो, सफाई नहीं होती है। ये नाली है ना, 3 महीने से ऐसी ऐसी है। पानी बाहर आता रहता है, कोई सफाई नहीं। बीकानेर रसगुल्ले वाले ने ये नल लगा रखा है, अवैध है। और वो यहाँ पे बर्तन वर्तन धोता है या यहाँ पे पानी होता है? कभी वार्ड पार्षद आया? कोई भी नहीं आया। बताया आपने कभी निगम? हाँ बताया, सेक्टर कार्यालय में कम से कम 10 बार रुके आ गए। क्या जवाब मिलता है? बोले करा देंगे, और कोई नहीं आता। दिन भर बदबू आती है। नाम बताया आपका? रोहित जैन जी। किस तरह की समस्या है क्षेत्र में? ये मलबा सड़ता रहता है इसमें और बदबू आती है, बहुत तेज बैठा ही जाता है। झाड़ू वाले आते हैं मोहल्ले में? झाड़ू वाले तो आते हैं 3 बजे। 3 बजे आते हैं? सुबह नहीं आते? सुबह भी आते होंगे, सुबह हम लेट आते हैं, 12-1 बजे पर आते हैं। और किस तरह की समस्या है इस पूरे क्षेत्र में? हमारे लिए तो यही है, नाली समस्या है, टॉयलेट की समस्या है। टॉयलेट के लिए कोई बना हुआ नहीं है, तो गलियों में जाना पड़ता है सफाई। नाम बताए आपका? निरंजन जी। जी चाचा, कि आप ये भी है, किस तरह की समस्या है? समस्या भी यही है सफाई की। आते हैं एक दिन करा के चल जाएंगे, फिर जान पड़ी मेरे पर, झाड़ू निकाल जाएंगे इसे ऊपर का। भाई कोई लापरवाही करते हैं, सफाई नहीं, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती। प्रॉपर सफाई नहीं होती। आएंगे जैसे आप अभी कहती, जैसे भैया ने बता देंगे किसी को, पार्षद आर्षद को, तो वो एक दिन करा देगा सामने आके, उसके बाद जान पड़ी वापस महीने डेढ़ महीने। बस ये चलता रहता है। नाम बताए आपका? मुकेश कश्यप। क्षेत्र की समस्या को लेकर स्थानीय पार्षद इति शर्मा से बात की तो पार्षद का कहना है कि उनके द्वारा वार्ड में नियमित सफाई करवाई जाती है, लेकिन सफाई को लेकर के स्थानीय लोगों में भी जागरूकता होना जरूरी है। कचरे की गाड़ी नीचे खड़ी होती है, उसके बावजूद भी लोग पहली दूसरी मंजिल से ही कचरे की थैली को नीचे फेंक देते हैं। कई बार कचरा कचरे की गाड़ी में ना गिर करके बाहर फैल जाता है, इसके लिए जिम्मेदार स्थानीय लोग हैं। जो यहाँ साथ ही वार्ड में सफाई कर्मचारियों की भी कमी है, ऐसे में जितनी लेबर उनको उपलब्ध है उससे वो वार्ड की व्यवस्थाएं सुधारने का ही प्रयास करते हैं।